కూడా యాశూపుల వస్త్ర విధా యావీన వర్ణత వంటిత కడా యాశ్వేత పద్మాసన యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రకృతి విర దేవై సదా వందితాం సామా వాతు సరస్వతి భగవతి నిశ్చేష జాడ్యా పహా वाग्देवी माँ सरस्वती का वंदन अर्चन इस कार्यक्रम को सफल बनाए माँ सरस्वती। मुझको दे दो ज्ञान शारदे करूं नहीं अभिमान शारदे, मुझको दे दो ज्ञान शारदे करूं नहीं अभिमान शारदे, और जीवन पथ पर चलता जाऊं हर कर तेरा ध्यान शारदे। जीवन पथ पर चलता जाऊं धरकर तेरा ध्यान शार दे, अंतर मन में ज्योत जगा दे मुझको सच्ची राह दिखा दे। अंतर मन में ज्योत जगा दे मुझको सच्ची राह दिखा दे, कोलाहल में बन जाऊं मैं एक वीणा की तान शार दे, मुझको दो वरदान शार दे। और शब्दों की ताकत पहचानूं, शब्दों की ताकत पहचानूं, जीवन की सच्चाई जानूं, आकर मेरे हृदय विराजो, आकर मेरे हृदय विराजो, करूं तेरा आह्वान शारदे, मुझको दे दो ज्ञान शारदे। बंद हृदय का ताला खोले मेरी कलम सदा सच बोले, मेरी कलम सदा सच बोले, बंद हृदय का ताला खोले विश्व गुरु बन जाए फिर से, मेरा हिंदुस्तान शारदे, मुझको दे दो ज्ञान शारदे, करूं नहीं अभिमान शारदे। माँ शारदे की संवंदना के साथ में आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और सबसे पहले हमारे ये जो अतिथिगण, ये जो तारामंडल इस मंच पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके ओज से प्रकाश से ये पूरा सदन आलोकित हो रहा है, इनका हम स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा आग्रह है, हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर बसंती हर्ष जी, उनसे मेरा आग्रह कि वे आए डॉक्टर मेघना शर्मा जी को माल्यार्पण कर हम सब की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हम करतल ध्वनि के द्वारा अतिथियों के अभिनंदन के समय उनका अभिनंदन करें, डॉक्टर बसंती हर्ष जी। डॉक्टर संजू श्रीमाली जी से मेरा आग्रह है कि वे आए और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रमिला गंगल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माल्यार्पण के द्वारा डॉक्टर संजू श्रीमाली जी। गिरिराज जी पारिक से मेरा आग्रह है कि वे आए और नरेश गोयल जी का स्वागत करें माल्यार्पण के द्वारा। गिरिराज पारिक जी, मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर ऋषि कुमार जी अग्रवाल को, वे आए और नेमचंद जी का स्वागत अभिनंदन हम सब की ओर से करें। ऋषि कुमार जी अग्रवाल, और भाई जुगल किशोर जी पुरोहित जाने माने कवि हमारे बीच में, उनसे मेरा आग्रह कि वे आए और उप महापौर श्री राजेंद्र पवार जी का माल्यार्पण कर सबकी ओर से स्वागत करें। जुगल किशोर जी पुरोहित, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और ज्यादा भाव भूमिकाएं नहीं बनाऊंगा, काव्य पाठ का जो सिलसिला है उसको आरंभ करते हैं, क्योंकि आज का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा शब्दों का, कविताओं का, गीतों का, गजलों का आनंद लिया जाए और उस बीच में भाषणबाजी कम से कम हो। तो मैं बहुत ही बड़े मंच के कवि की पंक्तियों से इस कार्यक्रम को शुरुआत देना चाहूंगा, बहुत ही बड़े हस्ताक्षर हिंदुस्तान के, और जिन्होंने हास्य कविता को एक ऐसी गरिमा दी, उन्होंने हास्य कविता को चुटकुलेबाजी से दूर निकाला, वो कवि थे ओम प्रकाश आदित्य।
उनकी पंक्तियां कवियों के लिए भी निर्देश है और श्रोताओं के लिए भी एक सहानुभूति है। छंद को बिगाड़ो मत, गंध को उजाड़ो मत, कविता लता के ये सुमन झर जाएंगे। छंद को बिगाड़ो मत, गंध को उजाड़ो मत, कविता लता के ये सुमन झर जाएंगे। शब्द को उघाड़ो मत, अर्थ को पछाड़ो मत, शब्द को उघाड़ो मत, अर्थ को पछाड़ो मत, भाषण सा झाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे। भाषण सा झाड़ो मत, गीत मर जाएंगे। हाथी से चिंगाड़ो मत, सिंह से डहाड़ो मत, ऐसे गला फाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे। हाथी से चिंगाड़ो मत, सिंह से दहाड़ो मत, ऐसे गला फाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे। और घर के सताए हुए आए हैं बेचारे, यहाँ तुम भी सताओगे तो ये किधर जाएंगे। घर के सताए हुए आए हैं बेचारे, यहाँ तुम भी सताओगे तो ये किधर जाएंगे। ये ओमप्रकाश आदित्य जी के शब्द थे। अब कवि सम्मेलन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कई कवि सम्मेलनों में, कि श्रोता अच्छी से अच्छी कविता पर ताली नहीं बजाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इस समस्या का समाधान दो पंक्तियों में है कि एक तो यह है कि अगर आप आज यहाँ पर खुल के ताली बजाएंगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर के ताली बजाने का काम नहीं पड़ेगा, ये श्योरिटी होगी। और दूसरी चीज है कि ताली बजाना भी एक योग क्रिया है और ये योग क्रिया करने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि सबको स्वस्थ रहना बहुत पसंद होता है, इस कार्यक्रम का आनंद लेना है। और अभी जो सबसे पहले जो चीज चल रही है, जो पूरे होली को मतलब होली को इतना प्रभावित किया है कि पानी से खुल करके होली खेलना मना कर दिया कि होली मत खेलो, क्योंकि एक चीज चल रही है अभी, उसका नाम मैं अभी खोलूंगा नहीं आपको। और नाच गाना करके होली मनाए तो 10 बजे के बाद में सरकार ने कहा कि डीजे बंद करो, तो पानी बंद डीजे बंद। और मिठाई और घी वैसे खा नहीं सकते क्योंकि बीपी की गोली लेते हैं, डॉक्टर ने बंद कर दी, तो सब चीजें बंद हो गई, तो क्या हाथ बोला खा करके होली मनाएंगे? तो ये एक समस्या है। लेकिन हमारे सामने ये समस्या नहीं है क्योंकि हम शब्दों से होली मनाएंगे। शब्दों में जो रंग होता है वो बहुत गहरा होता है और बहुत ही स्थायी होता है, और उस रंग से किसी की त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो शब्दों का रंग यहाँ बिखरने वाला है। और सबसे पहले मैं आज की इस काव्यमयी शाम का आगाज करने के लिए बुलाने वाला हूँ, हमारे बीच में एक विवादित डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं डॉक्टर तुलसीराम जी मोदी। डॉक्टर तुलसीराम जी मोदी से मेरा आग्रह है कि आए, अभी उनका बहुत ही उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर वैसे भी कम ही उपलब्ध होते हैं, किशन नाथ जी भी नहीं है। तो अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का जो जिम्मा है वो मैं साधक जी पर डालता हूँ, रामेश्वर जी बार मेरा साधक साहब, राष्ट्रीय कवि चौपाल के अध्यक्ष, आए और अपनी कविता के द्वारा इस कार्यक्रम का बढ़िया आगाज तो मैंने भी किया है, ये और बढ़िया आगाज करेंगे रामेश्वर जी बार मेरा साहब। हम संख्या में भले ही कम हैं लेकिन ऐसे लग रहा है कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर होने वाला है। तो स्वागत कीजिए साधक साहब का। आदरणीय आचरणीय सम्मानित मंच और उपस्थित आप सभी साहित्य वृंद, साक्षात सरस्वती लक्ष्मी नमन वंदन। आज हम राष्ट्रीय कवि चौपाल की विशिष्ट कड़ी में सब उपस्थित में हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि परमात्मा की हम पर बड़ी अनुकंपा है, वो स्वयं नहीं आते आसमान से, वो हमारे माध्यम से सृष्टि संसर्ग का एक योग बनाते हैं।
हमारे जिम्मे में गुण कर्म स्वभाव रहने का वो भाव देते हैं, तो हमारा अनुपम कृपा है, तो इस कृपा को हम चाहें तो सात्विक रूप में ले सकते हैं। तो आज वो होली के विशेष कार्यक्रम है, मेरे पास केवल आध्यात्मिक रचना रहती है, तो ऐसे उदन वाली वैसे टिटोली वाली ऐसी नहीं, लेकिन एक अपनी आत्मा को संजोने के संदर्भ में कविता है जो कल ही परसों बनाई थी मैंने, शीर्षक है वेद हमें वही सिखाए, वेद हमें वही सिखाते, वेद वही सिखाए जो सिखाए होली, देखो देखो इस बार हर हाल होली नहीं रहे टिटोली, सत्कर्म निर्बल नहीं, सत्कर्म निर्बल नहीं, अंतसर कर्मण नहीं, इसलिए होली केवल एक दिन की नहीं, खेलो खेलो पल प्रतिपल जी भर भर होली, पर हे मर्यादा साधक श्रुति आदर्श धारक, तू प्रहलाद सा बन कृष्णा सा बन होली पालक, देखो इस बार हर हाल होली नहीं रहे टिठोली, चलित होली फलित होली और हो रही बदहाल, माना सतरंगी रंग, माना सतरंगी रंग और सुरभित गुलाब, पर अंतर्मन पर मन अंतर्मन ईश्वर अंश करे अनवर प्रतिकार, ओ अब तक भी अंतसर न गए विकार, क्यों न व्यवहार से सत्कर्म से सजा दो रंगोली, इस बार भी होली नहीं रहे ठिठोली, वेद हमें वही सिखाए जो सिखाती होली, महोत्सव है होली के सब और इसके भावार्थ यार, सोले मस्ती पवित्र व बहिष्कार, चारों ओर सिद्धि बने ऐसा करे व्यवहार, होली का त्योहार पाए श्रुति सा प्यार, वेद हमें वही सिखाए जो सिखाती होली, देखो इस बार भी हर हाल होली नहीं रहे ठिठोली।